हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। अरे ये देख कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है ना भैया? हाँ, ऑन है। तो आज मैं बैठा हूँ बैक सीट पे, मजबूरी में, लेकिन बैठा हूँ क्योंकि गाड़ी मैं नहीं दूंगा उसको चलाना, चाहिए भी नहीं। तो भाई साहब, आज मेरे साथ जुड़े हैं दो जन। तो पहले मैं नाम किसका लूँ? आपको पता है इन दोनों के नाम से आप लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी जल्दी होता है, गजब बेइज्जती है। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये है हमारे तारिक भाई साहब। हेलो हेलो आप लोग। ये है हमारे अंकित भाई साहब, जो कि अभी तक सिंगल है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई लड़की हो तो बताना। आप लोग की नजर में अगर कोई लड़की हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आईडी शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है। क्या बोल रहा था भाई इस कॉलेज के बारे में? ये तो तेलंगाना है ना, तेलंगाना किधर है बताना भाई? क्या बोल रहा था इस कॉलेज के बारे में? कुछ नहीं। बोल दे ना, ना, बोल दे ना, ना, कुछ नहीं। अरे क्या पता कोई बोल दे, कोई हो क्या पता कि कोई तेरे मेरे सब्सक्राइबर में यहाँ का हो कोई? ना ना, कोई जरूरत ही नहीं है भाई। पता किसकी गर्लफ्रेंड हो जिसको उसको मतलब होता है ना हाथ छुड़ाना है? बोलना मैप देखने दे, 6 किलोमीटर है भाई। ये वीडियो बनाने का इतने सालों बाद बना रहा हूँ, आप लोग कह सकते हो साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंस हूँ नहीं। फिर भी एक भाई साहब मिले हैं मुझे, मेरे साथ बोल रहे हैं कि रेगुलर ब्लॉग्स बनाएंगे, प्लान चल रहा है ऐसा। तो मुद्दा ये है कि भाई साहब के लिए हम लोग जा रहे हैं कैमरा लेने Insta360। तो ये पूरा वीडियो Insta360 के ऊपर रहेगा। गाड़ी देख के भ्रम में मत आना, गाड़ी लेने नहीं जा रहे हैं, गाड़ी कुछ लेने वगैरह ऐसा कुछ नहीं जा रहे हैं। कैमरा का रिव्यू देना है और कैमरा देखना है कैसा है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड कैमरा है। ठीक है, क्या पता आज इनका हो पाएगा अभी नहीं हो पाएगा। संकेत भाई कुछ बोलना। बेस्ट ऑफ लक। तो जो ये Insta360 है, 360 कैमरा है जिसमें आपको पूरा 360 व्यू आएगा। और कौन सा है Insta360? X3 है, जो कि साइज में आप देखोगे तो इतना लंबा होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इशू होता है जब आप मोटो व्लॉगिंग करोगे। 4K तक सपोर्ट है उसमें। 4K है ना भाई की? 5.3K। अच्छा, मेरे कैमरा में 5.3K है, उसमें 5.7K है अंकित भाई के हिसाब से। अभी कैमरा को चेक करेंगे कैसे क्या परफॉर्म करता है। एक इशू है उसमें हेलमेट में, हेलमेट में 5 है तो कितना हेलमेट में माउंट करने पे नहीं, नहीं, वो थोड़ा साइज इशू उसका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हमेशा उल्टा लगाना होगा। तो ये एक डिमेरिट है उस कैमरे का, बाकी सब मस्त है। और अकॉर्डिंगली देखा जाए तो GoPro एक प्रॉपर एक्शन कैमरा और वो 360 के लिए बेस्ट है। उसमें हम दोनों कर सकते हैं लेकिन GoPro में वो नहीं कर सकते, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसमें। तो भाई साहब इसी बेनिफिट को देखते हुए GoPro छोड़ करके Insta360 पर गए हैं, तो अभी चलते हैं उधर ही। दिखाइए कैमरा तारिक भाई, यही कैमरा है इनका। कैसा लगा? स्टिल जस्ट लुकिंग अ लिटिल बिट, ओनली वन इशू। नहीं Years later. Okay.
सही में बता रहा हूँ, तुम दोनों को ये चीज़ सही। नहीं फिर तू बोलेगा कि सुन देख कैमरा वैसे अच्छा है। मैं ये दोनों मिनट तीन मिनट का रेगुलर रिकॉर्डिंग हुआ है, देख कितना हिट हुआ। एक बार तुम दोनों को बोल रहा हूँ, तुम दोनों इसमें से। तो भाई लो क्या लग रहा है, क्या करना है, बंद कर बताना। भैया के गाड़ी को ठेलना पड़ा है अभी। सूरज का आना सफल हुआ है तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सोच के अकेला खेल रहा था, सोच के आया था क्या भाई कि एक बार ठेलवाओ। अबे हाँ यही था। अरे दो बार रास्ते में बंद हुआ गाड़ी, अकेला किया था। हाँ बट हो गया था, अभी पता नहीं क्यों उतना टाइम लगा भाई। वो ऊपर नीचे था, तीन सेकंड में हुआ था, तीन सेकंड में भाई। ये वो तो न्यू टाउन के एकदम सिग्नल पर जाके रुक गया, पीछे पूरा ट्रैफिक खड़ा हुआ। चिनार पार्क के आगे का रास्ता, चिनार पार्क ना, गाड़ी बंद। तो जो कैमरा हम लोग देखने आए थे उसको किया है हमने रिजेक्ट, और हीटिंग इशू फेस करना पड़ रहा था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हीटिंग इशू इंस्टा 360 का मतलब पहले से है या इसमें कुछ खराबी था। वही तो, अरे महंगा चीज़ तो वो देखते हैं अच्छे से। और वो जो बेच रहा है भाई, बंदे के पास 15 प्रो मैक्स है, ठीक है, सेल करने का कोई मोटिव तो दिखता नहीं मुझे। कुछ हुआ होगा पक्का, तभी सेल कर रहा होगा। हाँ भाई मुझे भी वही लग रहा है। अरे उसके पास और भी कुछ होगा, स्टिक विस्टिक सब होगा भाई, दे नहीं रहा होगा। तो तारिक भाई कैसा लगा कैमरा? मस्त, ठीक था, बट बहुत डाउट्स थे। जैसे कि व्हेनेवर देयर इज डाउट्स वी शुड नॉट प्रोसीड। गुड गुड ब्रो, वेरी गुड। पैसे बच गए भाई। पैसे बच गए, मेरा गुरु भी बच गया। चेहरे से हरामी लग रहा था भाई। मैं सोच रहा था, तो प्लान ये हुआ था कि हम लोग सोचे थे कि बंदे को बोलेंगे कि एक दिन के लिए हमको दो, हम ट्राई करेंगे और हम लोग देखेंगे कि वो कैमरा कैसे फंक्शन कर रहा है, हीटिंग इशू सब कुछ, और बदले में हम सूरज का गोप्रो उसके पास रख के आएंगे कि भाई देखो ये सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कुछ होगा तो इसे से तुम पैसे उठा लेना। तो ऐसा था, तो सूरज का गोप्रो बच गया। बच गया, वो तो भाग जाता भाई। मेरे को लग रहा उसका जो उसके था उसके चेहरे से भाई वो हराम ही लग रहा था भाई। तू ले जा भाई तेरी एक्सट्रीम गोप्रो दे जा। कोटा का है, मतलब कोटा में पड़ा है भाई, वहां सुसाइड होता है सच में। मेरे टाइम पे तो नहीं हुआ था। एलपीयू में सुसाइड होता है तो कोटा में अबे होता है, ये नहीं बोल रहा कि मेरे आसपास में नहीं हुआ था ऐसा कुछ। तो सोच एलपीयू में सुसाइड हो रहा है, मेरे रहते रहते दो सुसाइड हुए हैं। लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले ले। हां इसे सीधा भी जा सकता है, बोलता है रोड पे निकल जाएगा कल। हां कल फोन करके बोलता भाई लेफ्ट ले ले, गियर डाउन कर फिर बंद करके ठेलवाएगा भाई। वो जूस वाले दुकान पर रुक लियो, चल जूस पी, अभी बिल्कुल नहीं मिले। अरे यार प्यास लग, अभी फिर से गाड़ी बंद हो गया तो फिर कौन ठेलेगा? सूरज ये भाई, अभी फिर से रेड लाइट कौन बोलेगा? राइट, सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है, राइट जा पूरा, सिग्नल नहीं है। अरे भाई मैं ले लिया पूरा राइट जा, एकदम लास्ट में निकलना फिर लेफ्ट ले लेना, इसलिए पहले बोला था ताकि मैं देखूं। वही है ना, हां नहीं, तू सच में ये चीज देखा?